कार्य क्षेत्र कोटपुतली है, इसलिए मैंने कोटपुतली चुना। मैंने ये भेदभाव नहीं समझा कि बैरो का मीडिया अलग है, कोटपुतली का अलग है, इसलिए मैंने कोटपुतली चुना। मनोहर लाल जी, आप ये वकील साहब से मैंने कई वकीलों से चर्चा की तो मुझे मालूम है किसी ने मतलब गोविंदा कोई ठीक वकील है तो मैंने किसी से नंबर लेके बहुत इससे कॉल करा। मेरा जो पंपला का पापा बोल रहा हूँ और मेरा जो कोई कहानी है तो आपने सुनी होगी, मतलब हाँ सुनी है, तो मैं आप इसके बारे में तो मेरे वकील बन जाओ तो आपके घर आ जाऊँ, तो मतलब पहले आके मुझे इसको कहानी बता आपने मेरे पास बात है, मैं उसके बाद में बताएंगे। घर में आया इनके पास में दो तीन दिन पहले, तीन चार दिन रोज पहले आया था, तो तीन चार घंटे बहुत ही घर पर बैठा है वो सब उसे बहुत ही कहानी पूछे कैसे हुआ क्या हुआ, बहुत ही मैंने सब बताया। दिल्ली में पतला है और राजस्थान के पुलिस ऑफिसर बहुत ही ईमानदार हैं, इसके ऊपर कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है कि उनका एनकाउंटर होगा पुलिस कस्टडी में, लेकिन उनके पिता को अंदेशा है कि इनका एनकाउंटर हो सकता है, इनका कहना है। आपके जो है मीडिया का सारा यो लिया है, मेरे बेटे से मेरे को नहीं मिलने जा रहे, मैंने भी कोशिश कर ली है, बावजूद मेरे वकील साहब ने भी कोशिश कर ली, तो लोग उदास हो गए, पता नहीं क्या करें बच्चे के साथ। बेटे को ये कहना था, तो मेरे बेटा तेरे तो कर दिया हो तो कर दिया, मगर अब तो ऐसी गलती दोबारा मत करना, और जैसा भी तेरे तकदीर में जो समय परमात्मा ने लिख दिया उसको काट, तो मैं उसने जो गुणा कराया गुणा के पक्ष में दे, मैं बिल्कुल भी मैं ये कह रहा हूँ उसको सरकार सजा दे, कैसी भी सजा दे, मगर मैं उसको देख तो नहीं कर रहा और उसको ये कहना चाहता हूँ कि जो तेरी गलती करती है ऐसी गलती दोबारा मत करना कभी। मोदी नारनौर जेल में बंद था लगभग 2017 की बात है, तो जब मिला था तो वो भगड़े से महीने दो महीने तीन महीने पहले मिला था मुझसे, मेरी तारीख लगती थी कोर्ट में उसकी लगती थी, तो जब ऐसे उसकी वहाँ लगती मेरी यहाँ लगती थी ऐसे, जब उसकी शक्ल देखती थी उससे पहले मैं उससे मिला भी था, मिलाई में भी जाता था उससे पहले, मैं पाँच चार धवन आए या दो तीन धवन में मुलाकात भी मैंने नहीं आपकी पेशी, तो वो महीने में कोर्ट से भग गया था, पुलिस ने मेरे को बंद कर दिया, चार महीने बाद में मेरी जब जमानत हुई, फिर भगने के बाद उनको उसने पकड़ लिया, तो वो मेरी जब जमानत होने के बाद तारीख लगती है तो वो पकड़ लिया, उसकी भी तारीख लगती, तारीख लगती थी सबकी, उनकी अलग अलग पकड़े थे, उनकी भी अलग अलग लगती थी, सबकी तारीख लगती थी, ये फिर मैं बरी हो गया, मेरी घरवाली की तारीख लगती थी। नहीं आपको ऐसा लगा नहीं कर रहा, मैंने ऐसे हिसाब से दो तीन दफा बात करी, बाबू ने बताया मैं पपला का बाप पिताजी बोल रहा हूँ, पपला ने मिलना चाह रहा तो बहुत देर में बात सुन तो मुझे कोई दबाव नहीं दिया, दोबारा करा तिबारा करा पपला गेज कर लिया, फिर एक दिन बाद मैंने सुन ली फोन सुन लिया मेरी कथा सुन ली, पर मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, दोबारा तिबारा कर दिया फोन गेज कर लिया, तो मैं समझ के बाद साहब फिर से बात नहीं करना चाहते, फिर मैं बहुत ही के पास बुलाया, बहुत ही से बात मिला उनसे, जब मेरे से कोई संपर्क नहीं हुआ तब फिर जब जब बहुत उनकी कोशिश करी और इन वाली कोशिश भी फैल होगी, तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि जगत में अच्छाई बुराई न्याय का एक मीडिया हिस्सा है, मीडिया के जरिए बहुत आदमियों का लक्षण कुलक्षण सबके दुनिया के सामने आते हैं, तो हे ईश्वर आपका भला करे मेरे साथ में ऐसा कर दे तो मेरा बेटा जगत में रह जाए और जो सजा जो गलती करी है उसको सजा मिले, उसके लिए मैं मना नहीं करता, मगर मेरे बेटे को मिलने का कोई ऐसा प्रोग्राम बना दो तो मैं उसको मिल जाऊँगा। हरियाणा में ऑलरेडी इन्होंने एडवोकेट कर रखी है उसकी।